हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जून 5th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हम लोग इस दिन कुछ खास किए थे हम अपने शहर में, तो वही मैं आपसे आज शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप ग्रीन और एक ज्ञान ज्योति ट्रस्ट दो ग्रुप के सहायता से हमने आज कहीं ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर प्लांटेशन किए हैं। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, और आगे भी इस तरह से वीकली पर्पस पर हम ऐसे प्लांट लगाने के लिए सोच रहे थे, उसी लिए हमने ग्रुप्स बनाकर आज से ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किए, लॉन्च किए हैं। तो वही कुछ पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ, कुछ वीडियोस भी आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने ये पब्लिक प्लेस थी जो हमारी एरिया में जो वार्ड के हिसाब से छोटे छोटे पार्क, मिनी पार्क्स होते हैं, वहाँ से हमने स्टार्ट किए हैं। कुछ उसके अलावा हमने कुछ ओपन प्लेसेस पर, रोड साइड पर जैसे प्लांट लगाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला स्टेप हमने रखा है और काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस, और काफ़ी बहुत ज़्यादा भी हमने प्लांट्स आज प्लांटेशन किए हैं। और ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स थे, हम सब ने मिलकर बहुत ही अच्छे से, कल से ही प्लानिंग चल रही थी, कल से गड्ढा खोदना, प्लांट इकट्ठा करना, तो ये सब कर फाइनली आज हमने ये थोड़ी सी सक्सेस भी किए हैं। सारे मेंबर्स मिलकर आज बहुत ही अच्छे काम किए हैं, बहुत ही अच्छी खुशी मिल रही थी, करने में भी देखने में भी बहुत ही अच्छा था। और इन सब करने पर हमने गेस्ट को भी बुलाया था, जैसे कि एसी असिस्टेंट कमिश्नर सर आए थे, तो उनके हाथों से पहले ही प्लांट लगवाया था, और कुछ एनवायरनमेंट के बारे में भी उन्होंने बात की है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यही सब हम आज किए हैं फ्रेंड्स। तो ये रहे असिस्टेंट कमिश्नर सर। ಜಲಂಧರದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತು. ಆ ಪರ್ವತಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಲಂಧರದಿಂದ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಮಾನವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾನವನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಯೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಸೂರು ಪುರಸಭೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಿಸರಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ
फ्रेंड्स ये बता रहे थे कुछ एनवायरनमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स आप भी कुछ ऐसा कोशिश कीजिएगा, हर लोग एक से दो प्लांट लगाएंगे तो काफ़ी हमारी अर्थ जो है हम सेव कर सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।